दुनिया के सारे धर्म समान है, और जिस दिन मुझसे कोई ये बात साबित कर देगा, लाइव है ना यूट्यूब पे, हाँ, जिस दिन मुझसे कोई ये बात साबित कर देगा कि नहीं है, बस उसी दिन पढ़ाना छोड़ देंगे, उसके बाद नहीं पढ़ाएंगे। इस दुनिया के सारे धर्म समान है, धर्म मानने वाले नहीं, एक से एक बेवकूफ मानने वाले। मानने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, इस्लाम, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, सब धर्म समान है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और किसी धर्म में कोई मतभेद नहीं है। मतभेद सिर्फ मानने वालों में है, धर्म में कोई मतभेद नहीं, किसी धर्म। धर्म बहुत बड़ी चीज है। धर्म को, इंसान को भगवान बनाने की कला पता है? जिसको धर्म समझ में आ गया उसको समझ लो पूरी दुनिया समझ में आ गई, कितनी बड़ी चीज है धर्म। तो सारे धर्म समान है। धर्मों में जो अंतर है वो कल्चर का है, उसकी वजह है ज्योग्राफी। कपड़ा और खाना ज्योग्राफी पे निर्भर करता है। सारा डेजर्ट में टाई लगाओगे? कि साइबेरिया के डेजर्ट में लुंगी पहन के घूमोगे? और लुंगी पहन के घूमोगे तो ऐसे खड़े रहोगे, -40 टेम्परेचर है? नहीं, ना तुम साइबेरिया में टाई लगा सकते हो सहारा में, और ना तुम साइबेरिया में लुंगी पहन सकते हो। चाहे जितना बड़ा मुसलमान होगा उसको साइबेरिया में ओवरकोट पहनना ही पड़ेगा, कैप लगाना पड़ेगा, और मौका मिले तो 40 ml लेना भी पड़ेगा कि बॉडी का टेम्परेचर बना रहे। अरे झूठ कह रहे हैं? अब इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जब सबका उद्देश्य एक है, तो तुम्हारा नाम चाहे श्यामलाल हो, चाहे शमसुद्दीन और चाहे सैमुअल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब धर्म तुम्हारे विकास के बजाय बाधक बन जाए। कोई चीज तुम अडॉप्ट करते हो विकास के लिए ही तो करते हो। सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट पूरी दुनिया में किसका है? ईसाइयों का। वो बड़े सफल होते हैं कन्वर्ट करने में, क्योंकि वो दो काम बड़ा अच्छा करते हैं। एक, स्कूल चलाते हैं, सबको पढ़ाते हैं। तुम मिशनरी स्कूल में जाओ तुम्हें सबसे ज्यादा हिंदू मिलेंगे, मुसलमान मिलेंगे। भारत में ईसाइयों को तो भारत में स्कूल खोलना ही नहीं चाहिए था, क्यों पढ़ाना हिंदुओं को? आज मैं यहां खड़ा हूं सिर्फ ईसाई मिशनरी स्कूल की देन है, फातिमा इंटर कॉलेज। उद्देश्य उनका कुछ भी रहा हो लेकिन फायदा करके गए। 14 साल पढ़े फातिमा इंटर कॉलेज में, और 25 दिसंबर का वेट करते थे, क्रिसमस मनाते थे, कैरोल रोल गाते थे, केक लेते थे, चॉकलेट लेते थे, लेकिन जब भी कभी डरते थे तो हनुमान चालीसा ही पढ़ते थे। 14 साल रहे उनके साथ, लेकिन वो हनुमान जी को ना निकाल पाए। जब गांव जाते थे रात में तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए धीरे धीरे जाते थे, वहां कभी नहीं गया जीसस मेला। हाँ, ना से रोग हरे सब पीरा जब निरंतर आनंद पीरा, संकट ध्यान मन जुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जुड़ावे, सब पर राम तपस्वी राजा, और तिनके काज सकल तुम साजा।